नमस्कार, मैं रितिका वर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24x7। मुठभेड़ में रफ्तार गैंग का शातिर अपराधी के पैर में लगी गोली, हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के लार थाना क्षेत्र के सहजोर गांव के पास आज सुबह पुलिस और रफ्तार गैंग के सरगना नितेश उर्फ रफ्तार यादव की मुठभेड़ हुई, जिसमें रफ्तार यादव की पैर में गोली लगी और उसका इलाज देवरिया मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तो बता दें कि आज पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। पुलिस को सूचना थी कि रफ्तार गैंग का सरगना नितेश यादव यहां से जाने वाला है। जैसे ही नितेश यादव रोड पर पहुंचा, पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जाबाजी कार्रवाई में रफ्तार यादव के पैर में गोली लग गई और उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया। आपको बता दें कि नितेश यादव और रफ्तार यादव पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। चुनौती लूट और हत्या के प्रयास जैसे संगीन अपराध इसके ऊपर दर्ज हैं। इसके गैंग में दर्जनों की तादाद में सदस्य यह रील बनाकर भी वायरल करता था और जनपद में दहशत का माहौल बनाया रखा था। पुलिस को इसकी तलाश थी। सोशल मीडिया पर यह रील बनाकर वायरल करता था, जिसमें यह कहता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24x7, वाराणसी। लगभग 3 बजे के आसपास हमारी लार थाने की टीम और एसओजी की टीम लोकपुर की सूचना पर अपराधियों के मूवमेंट के बारे में कुछ जानकारी हुई। इस पर वहाँ चेकिंग की जा रही थी तो एक व्यक्ति बाइक से आता दिखाई दिया, जिसको रोका गया और रोका नहीं, इसने भागने का प्रयास किया। जब उसने पुलिस ने इसको और चेज किया तो इसने फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसके पैर में अंगूली लगी है। और इसकी पहचान नितेश यादव उर्फ रफ्तार के रूप में हुई है, जो इस जिले में रफ्तार गैंग का प्रमुख है। और ये इसके ऊपर टोटल कुल 11 अभियोग दर्ज हैं। शातिर अपराधी है और ये गैंगस्टर में वांछित था और कार से इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें हमारी पुलिस की टीम लार थाना और एसओजी की टीम ने बहुत सराहनीय कार्य किया। बताया जा रहा है कुछ उस गैंग के कुछ लोग और फरार चल रहे हैं। विभिन्न प्रकार के चोरी, लूट, हत्या और गैंगस्टर के अपराध दर्ज हैं। और जनपद का एक शातिर अपराधी और ये विभिन्न प्रकार के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल करता था और ये पुलिस के लिए एक चुनौती था। इसके पहले भी कुछ रफ्तार गैंग के लोग जेल जा चुके हैं, या इन सबका मेन पेशा क्या था, क्या करवाने के लिए? इनका रफ्तार गैंग के लोगों का लूट, चोरी, हत्या, धमका करके चुनौती प्राप्त करना, इस प्रकार के अपराध लोग करते हैं। इसमें जो अन्य शेष अपराधी उनके भी शीघ्र गिरफ्तारी जुड़े होंगे। इसमें कम से कम 30 से 35 लोग इस पूरे गैंग में हैं और मूल रूप से सुरौली थाना क्षेत्र का रहने वाला था और इसके आसपास भी इसका काफ़ी प्रभाव है।